आप लोग राइस फ्राई तो बहुत बार खाए होंगे, पर इस प्रकार राइस फ्राई बनाए बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल कम चीज़ों में। सबसे पहले हम यहाँ पे हम एक कप चावल, चावल मेरा बड़ा वाला बासमती वाला होना चाहिए, और आधा कप और डेढ़ कप लगभग चावल लेंगे। इसे हम 5 मिनट तक भिगो के रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। 5 मिनट तक अच्छे से हम भिगो के रख देते हैं। इसका जो गंदा पानी, इसको हम निकाल के अच्छे से वाश कर लेंगे। उसके बाद हम इसे पहले हम बना के देखते हैं कैसे बनाना है हमको। हमने ये वाश कर लिया है चावल। सबसे पहले हम कुकर लेंगे, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड वाला ऑयल लेंगे। जो हमने चावल धुल लिए थे इसी में हम डाल देंगे। अच्छे से धुलने के बाद सारे चावल इसी तरह हम डाल के जैसे मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1/2 स्पून। इसमें लगभग हम 1 गिलास पानी डालेंगे, पानी लगभग 300 ml होना चाहिए। थोड़ा सा नमक, इसे हम कुकर से 1 सीटी हम मीडियम आंच में ले लेंगे। यहाँ हम सोयाबीन्स लेंगे, इसे हम 5 मिनट तक भिगो के रख देंगे ताकि ये फूल जाए अच्छे से। उसके बाद हम तब तक हम सब्ज़ी काट लेते हैं। हमको सब्ज़ी में क्या क्या लेना है, बीन्स, शिमला मिर्च, मटर, ये फूल गए, इन्हें हम निचोड़ लेते हैं अच्छे से, पानी इसका निकाल देते हैं। तब तक हम सब्ज़ी काट लेते हैं अच्छे से। उसके बाद हम कढ़ाई लेंगे। सब्ज़ी मेरी कट चुकी है, हमने यहाँ पे 2 टमाटर बारीक कटे हुए, बीन्स, मटर, शिमला मिर्च, थोड़ी से काजू, 4 हरी मिर्च। चावल मेरे पक चुके हैं। इस तरह बनाए जब राइस फ्राई बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आपको उबालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम रिफाइंड ऑयल लेंगे। सरसों का तेल मत यूज़ करें, टेस्ट नहीं अच्छा आएगा, आपको सरसों की महक आएगी। फिर इसे हमने जो सोया बड़ी ली थी इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हमको ब्राउन ब्राउन हो जाने तक इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे धीरे धीरे मीडियम आंच में। सोया बड़ी मेरी देखो फ्राई हो चुकी है लगभग, थोड़ा सा इसे हम निकाल लेंगे। इसमें जो हमारा तेल बचा है उसमें थोड़ा सा और ऑयल मिलाने के बाद 1 स्पून जीरा, जो हमने काजू लिए ये काजू इसी में डाल के हल्का रोस्ट कर लेंगे। हरी मिर्च इसमें अच्छे से मिलाएंगे, जो हमने शिमला मिर्च, बीन्स, मटर, अच्छे से इन्हें फ्राई करेंगे धीरे धीरे। अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जो हमने टमाटर लिए थे वो भी इसी में ऐड करना है हमको। अच्छे से मिलाते जाएंगे हल्के हल्के। इसमें जो हमने टमाटर लिए थे वो भी इसी में ऐड कर देंगे। टमाटर हमने मिला दिया अच्छे से फ्राई के लिए। इसमें हम 1/2 स्पून नमक लेंगे, नमक अपने स्वाद अनुसार डालें। फिर इसे हम सिर्फ 2 मिनट तक कवर करके रखेंगे ताकि सब्ज़ी मेरी सॉफ्ट हो जाए अच्छे से हल्की सी। सब्ज़ी मेरी पक चुकी है लगभग, ज़्यादा हमको पकाना नहीं है, हल्के पकाना है। इसमें हम सोया बड़ी जो थी वो इसी में डाल देते हैं। जो हमारा इसमें हम 1 स्पून सब्जी मसाला, जो हमारे चावल थे वो भी इसी में हम डाल देते हैं। लगभग हम 2 स्पून बिरयानी मसाला लेंगे। बिरयानी मसाला नहीं डालेंगे तब तक टेस्ट नहीं आएगा आपका। अच्छे से हम चलाते जाएंगे बहुत अच्छी मीडियम में धीमे धीमे। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, देखने में ज़्यादा चीज़ भी नहीं पड़ी हमारी इसमें।
बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन की बटन ज़रूर दें, प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको राइस फ्राई बनके तैयार हो चुके हैं, इन्हें हम फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम 2 मिनट तक कवर कर देते हैं ताकि ये अच्छे से भप जाएंगे और अच्छे से गर्म हो जाएंगे क्योंकि चावल मेरा ठंडा हो चुका था। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है देखते ही। इसे हम 2 मिनट तक कवर करें ताकि ये चावल मेरा गर्म हो जाएगा। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो खाने में तो बहुत ही टेस्टी था। आपको रेसिपीज पसंद आए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू। प्लीज़ फुल वॉच ज़रूर करें, लोग फुल वॉच नहीं करते ताकि